हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे फ्रिक्शन और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अनइवननेस ऑफ द रोड सरफेस, मतलब रोड सरफेस का स्मूथनेस कैसा है, और लाइट रिफ्लेक्शन अगर पड़ता है रोड पे तो कौन से रोड पे कब क्या प्रोस एंड कौनस है, और ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। रोड के सरफेस का ड्रेनेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेवमेंट में, और कैम्बर के बारे में डिफाइन करेंगे कि कैम्बर होता क्या, और उस देखते हैं अनइवननेस। अनइवननेस में क्या है, अनइवननेस मतलब रोड सरफेस जो है अनइवन है, मतलब एंडुलेशन है, थोड़ा क्रैक्स है, अप्स एंड डाउन है, मतलब एक इवन सरफेस नहीं है, सरफेस स्मूथ नहीं है, उसमें कुछ ऐसा फील, ऐसा ऐसा रोड है जिसमें जो अंडुलेशन है, गड्ढे हैं छोटे छोटे, तो उससे अनकंफर्टेबल फील होता है गाड़ी चलाने में। सो इसको अनइवननेस नहीं होना चाहिए एक्चुअली। बट क्या है, अनइवननेस कोई भी रोड में आता ही है, ऐसा नहीं बोलो कि एकदम 100% परफेक्ट होना चाहिए, आता ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है साइड वर्क में। अगर आप कितना भी अच्छा पेवर यूज़ कर रहे हो ना, फिर भी आता है, क्योंकि पेवर यूज अच्छा करते हो तो ऑपरेटर कैसा है, वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स, फ्यूल कंजप्शन खत्म हो गया, या कोई गाड़ी चढ़ा दिया, नए रोड बना उस पर चढ़ा दिया, तो इसकी वजह से भी अनइवननेस आता है। एक हैवी लोड गाड़ी चल गया या ज़्यादा स्पीड में गाड़ी कोई गया, सो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से अनइवननेस रोड सरफेस में पेवमेंट में आता है। सो कैसे पता लगाएंगे कि कितना अनइवननेस है, कितना अनइवननेस रोड सरफेस पे अगर है तो गाड़ी चल सकती है कंफर्टेबली, गाड़ी सेफ जा सकती है, सेफ ड्राइविंग हो सकती है, किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, तो उसे बोलते हैं अनइवननेस इंडेक्स, जो मतलब एक मेजर किया गया वैल्यू कि भाई अगर 1500 mm पर किलोमीटर में हुआ अनइवननेस, तो वो हम लोग एक गुड मानते हैं उसको, मतलब चल सकता है, किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, किसी तरह का ज़्यादा बिग बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, गाड़ी स्मूथली रन कर सकता है। दूसरा हो गया 2500 mm, अगर लेस देन 25 mm रहा तो उसको हम लोग कैसा सेटिस्फैक्ट्री बोल सकते हैं, अगर स्पीड, बट इसमें भी स्पीड लिमिट है, अगर 100 तक अप टू 100 किलोमीटर पर आवर हुआ और आपके रोड में 2500 mm पर किलोमीटर में अनइवननेस है, अगर इससे कम है तो हम लोग इसको सेटिस्फैक्ट्री बोल सकते हैं, मतलब गाड़ी चल सकती है, ज़्यादा डेंजर नहीं होगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम ही रहेगा। अगर ग्रेटर देन 3200 हो गया, 3200 mm पर किलोमीटर में हो गया, तो इसे कंसीडर करेंगे अनकंफर्टेबल, चाहे स्पीड 50 का हो या 100 हो या कुछ भी हो, तो 50 से अगर ऊपर, मतलब 55 मैंने लिखा है, तो आप 50 भी रहा ना तो भी अनकंफर्टेबल फील होगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ गया, अगर स्पीड ज़्यादा है, कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो गया तो। सो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग अनइवननेस को भी मेजर करते हैं, और अगर उस प्रॉपर रेंज में रहा तो चल सकता है, नहीं तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, लोग फिर साइट इंजीनियर या हाईवे को इम्प्रूव करते हैं, जो भी होल्स होते हैं उसको रिपेयर करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन का क्या रोल है रोड सरफेस पे, जनरली दो टाइप्स का हमारे यहाँ रोड बनता है, एक ब्लैक कलर का होता है और एक वाइट, ब्लैक बोले तो बिटुमिनस रोड होता है और एक कॉन्क्रीट रोड होता है। सो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले वाइट कॉन्क्रीट रोड। कॉन्क्रीट रोड जनरली गुड विजिबिलिटी होता है नाइट में, अच्छे से दिखता है रात को, बट वो दिन में थोड़ा चमकता है। और जहाँ तक ब्लैक बिटुमिनस रोड में देखें, वो ब्लैक कलर का होता है, सो उसकी वजह से वो चमकता नहीं है दिन में, बट रात को उसका पुअर विजिबिलिटी है। सो कॉन्क्रीट रोड जो होता है बेटर विजिबिलिटी एंड लेस ग्लेयर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी होता है और थोड़ा चमकता है। ड्रेनेज मतलब जो भी रेन वाटर हो या किसी भी तरह का रोड सरफेस पे वाटर पानी गिरता है, उसको रोड में सीपेज नहीं होना चाहिए, वो सारा पानी क्या होना चाहिए, ड्रेन आउट होना चाहिए रोड सरफेस से, क्योंकि अगर पानी सीपेज होगा रोड में सो बहुत सारे इफेक्ट कर सकता है, लाइक पोर्ट होल हो जाएगा, गड्ढे हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, फिर क्रैक्स आने लगेंगे, अंडुलेशन बहुत सारा आ जाएगा, अनइवननेस दिखने लगेगा, एक्सीडेंट बढ़ जाएगा, तो इसलिए ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोड को बनाने में। अगर आपका रोड सरफेस प्रॉपर
स्लोप में हुआ, प्रॉपर कैम्बर हुआ, प्रॉपर ट्रेक्चर टेक्चर हुआ उसका, तो वाटर जो है ना, रेन वाटर हो या कोई भी वाटर हो, रोड सरफेस पे वो नहीं रुक पाएगा, वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा, जिससे हमारा रोड बच सकता है, हमारा रोड का रोड में रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बार बार, और अनइवननेस भी नहीं आएगा, स्मूथ रहेगा। सो ड्रेन एक इम्पोर्टेंट रोल है, बट ड्रेन की डिपेंड करता है रोड का टेक्सचर पे और रोड के कैम्बर पे। अब देखेंगे हम लोग कि कैम्बर क्या होता है। पहले देखेंगे कैम्बर होता क्या है। कैम्बर एक्चुअली क्रॉस स्लोप जो होता है ना रोड का, मतलब रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अलोंग द रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं रोड सरफेस पे, उसे कैम्बर बोलते हैं। और कैम्बर जो है इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि सारा वाटर जो है रोड सरफेस पे वो ड्रेन आउट हो जाए, रोड सरफेस पे पानी स्टे ना करे। तो मेन रीजन क्या है, क्यों हम लोग, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कैम्बर प्रोवाइड करने का। कैम्बर इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि बिटुमिनस रोड या कोई भी कंक्रीट रोड, उसमें एक लेयर होता है, सबग्रेड लेयर होता है, उसे डैमेज ना करे। पानी अगर सीपेज करेगा ना बिटुमिनस रोड सरफेस से, तो वो नीचे जाएगा सबग्रेड लेयर पे। सबग्रेड लेयर जनरली मिट सॉयल और मुरुम का बना होता है, ब्रेकेबल स्टोन भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर पानी जाएगा, पानी सीपेज करेगा, तो वो सेटलमेंट होना स्टार्ट करेगा, जिससे रोड, पूरे रोड डैमेज हो सकता है। सो इसके लिए हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं ताकि रोड पे पानी, रोड के सरफेस पे पानी स्टे ना करे, सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है, ताकि हम लोग सेफ रहे, रोड को सेफ रख सके। स्लोप को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, स्लोप को जनरली हम लोग परसेंट में देखते हैं, जैसे 2%, 3%। आप अगर साइट पे काम करोगे ना, तो आपको ये सुनने को मिलेगा साइट पे कि कितना परसेंट स्लोप है, तो हम लोग परसेंट में बताते हैं। तो जनरली दिख, यहाँ पे हम लोग कैम्बर को मेजर करते हैं 1:N, मतलब 1:N, या आप बोल सकते हैं N%, उसको परसेंट में कन्वर्ट करके। एग्जाम्पल में अगर 1:50 है, 1:50 है, तो 2% हो गया। सो वैल्यू डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ पेवमेंट सरफेस पे, कि सरफेस कैसा है, पेवमेंट सरफेस कैसा है, कौन सा कर्व है, और बहुत सारे फैक्टर है जो इस पर डिपेंड करता है हम लोग को कैम्बर कितना प्रोवाइड करना है। कैम्बर्स कितने तरह का हो सकता है, कितने टाइप्स ऑफ कैम्बर हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे जैसे पैराबोलिक हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, या पैराबोलिक और स्ट्रेट दोनों मिलके कंबाइंड भी हो सकता है। सो ये तीनों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।